हेलो फ्रेंड, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कुरान। कुरान से मैं आपको जो है सूरह निसा का जो है सूरह निसा का जो मैं आयत नंबर आपको बताऊंगा 26, 28, 29। दोस्तों और हमारे साथ आप लोग बने रहे, ये कुरान जो है आपको आसानी से समझ में आ सकती है, आपकी गिरफ्त में हो सकती है और आपके नॉलेज के लिए ज्ञानवर्धक होगा और साथ ही साथ आप जो है समझ सकते हैं कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या कहता है। तो सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, किसी भी धर्म को आसानी से ये बातें समझ सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जो पर्पज है कि ये जो मेरा पढ़ाने का पर्पज है, ये पर्पज केवल केवल जो है लोगों को समझने की जरूरत है और मैं आसानी भाषा से आप लोगों को समझा सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारा जो चैनल है सतबला एक्सपेरियंट चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं शुरुआत करता हूँ दोस्तों। शुरुआत ये है कि आयत नंबर 26 से लेकर 28 तक अज़बिल्लाह मिन शैतान लजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब मैं शुरुआत करता हूँ कि अल्लाह चाहता है कि तुम पर स्पष्ट कर दे, क्लियर कर दे और तुम्हें उन लोगों के तरीके पर चलाए। किन लोगों के तरीके पर? उनको, उन्हें रेफरेंस दे रहे हैं जो तुमसे पहले हुए। अब तुमसे पहले कौन? अब जो ये तो बता रहा है कि ये लाइन जो है, ये जो बात कर रहा है फ्यूचर की बात कर रहा है, जो तुमसे पहले हुए हों, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी नबी आए हैं, लास्ट पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी पैगंबर आए हैं, चाहे हजरत मूसा हो, हजरत ईसा हो, हजरत याकूब हो, हजरत इब्राहिम हो, इनके बताए हुए रास्ते पर, उनके बताए हुए रास्ते पर लोग जो अमल किए हैं उन रास्ते की बात करते हैं और तुम पर दया दृष्टि करेगा जो रास्ते हैं। अब रास्ते क्या है कि आप नेक रास्ते पर चलें, इदिन सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ते चलें। अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला है, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, तत्वदर्शी है। अल्लाह चाहता है कि तुम पर दया दृष्टि करे, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह चाहता है तुम पे दया दृष्टि करे और अल्लाह से आप और अल्लाह के जो अल्लाह की बताए हुए प्रिंसिपल है, अल्लाह की बताए हुए जो सिद्धांत है, अल्लाह के बताए हुए जो रास्ते हैं, ये सोचिए कि हम अल्लाह से कितने करीब हैं, अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है, अल्लाह कितना दयाशील है, अल्लाह बहुत ही प्रभुशाली सॉवरेन है। सोचिए तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर सकता है। किंतु जो लोग अपनी तुच्छ इच्छाओं का पालन करते हैं, तुच्छ सिलेंडर विशेष, जो उनकी जो विशेष है उसका परफॉर्मेंस करते हैं और वो चाहते हैं तुमसे हटकर बहुत दूर जाए पड़े और वो चाहते हैं कि जो तुम रास्ते से चल रहे हो उससे दूर हटकर जाकर पड़े, यानी विपरीत दिशा में जाना पड़े। जैसे होते ना कि कई लोग होते समाज में, बताया जाता है कि आप इस रास्ते से चलिए, तो क्या है वो बंदा जो फितनी टाइप का व्यक्ति होगा वो विपरीत रास्ते से चले। वो चाहते हैं कि तुम रास्ते हटकर बहुत दूर जा पड़े हो। अल्लाह चाहता है कि तुम पर बोझ हल्का कर दे, क्योंकि इंसान निर्बल पैदा किया गया है। अल्लाह का, अल्लाह
आपको कंपेयर नहीं करता है, अल्लाह आपको मजबूर नहीं करता है, अल्लाह आपसे प्यार करता है। अल्लाह नहीं चाहता कि आप लोग जहन्नम में जाए, ना ना बिल्कुल नहीं। अल्लाह अपने महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने लोग मानने वाले जितने लोग हैं और सीधे रास्ता अख्तियार करते हैं, तो अल्लाह ये नहीं चाहेगा कि मेरा बंदा जहन्नम में हो। सोचिए अल्लाह आप सबको कितना चाहता है, ये आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, आप प्रिज्यू में ही नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह हमसे कितना मोहब्बत करता है। और सोचे जिससे अल्लाह इतना मोहब्बत करता हो और आप अल्लाह के लिए क्या देते हैं, आप अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर कितना अख्तियार करते हैं। सोचिए अगर आप अपने बेटे से मोहब्बत करते, अपनी बीवी से मोहब्बत करते, अपने एहजाज अपने नातेदार से मोहब्बत करते, तो सोचते हैं कि उनका नुकसान ना हो पाए। और अल्लाह तो पूरे मानव जाति इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, कहता है गलत काम ना करो, जहन्नम की आग बहुत बुरी आग है, तुम्हें गलत करोगे तो जहन्नम की आग में डाल दिए जाओगे, जो हमेशा जलते रहोगे, जो वहाँ आपको कोई पैरोकारी करने वाला नहीं मिलेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अल्लाह तुम्हें निर्बल और सहाय कमजोर पैदा किया है। और उसके बाद में ये कहा है आयत नंबर 29 और 31 में, ए ईमान लाने वाले आपस में एक दूसरे का माल गलत तरीके से ना खाओ, और ये बात है कि तुम्हारे आपस की रजामंदी से कोई सौदा हो जाए। एक दूसरे का माल है, एक दूसरे का गुड्स है, एक दूसरे का जो है आपका थिंग्स है। देखिए आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी हमारे पास माल है तो माल अगर मेरे पास उसका उसके मेरे पास संरक्षक है या कोई माल मुझे दे दिया है कि माल आप रखे रहिए, तो उस माल को मैं गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। या कोई मुझे माल दे दिया कि मुझे आप 50,000 रुपये रखे रहिए, 50,000 रुपये में सोचूँगा, 50,000 रुपये से मैं 5,00,000 रुपये ले लूँ, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करूँ, गलत जगह उसको लगा दूँ ताकि उसका जो माल आए वो मुझे फायदा हो, मुनाफा हो, और कार्य कैसा हो गलत तरीके। हम देखिए दो चीज़ें हैं, कार्य कैसा होना चाहिए, गलत तरीका होना चाहिए। अब इस पर एक्सप्लेन करने चाहिए कि गलत क्या है सही क्या है। गलत वो है जो कुरान द्वारा ये बताया गया है कि ये काम जो है गलत है, कुरान ने बताया है। जैसे कोई जिनाकारी में पैसा लगा देना, किसी के जुए में पैसे लगा देना, किसी की हत्या करने में पैसे लगा देना, किसी की ज़मीन हड़पने में पैसे लगा देना, किसी को जो है शराब खोलने के लिए पैसा लगा देना, यानी वो कार जो है इमोरल हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, तो वहाँ गलत तरीके से माल खाया हुआ अल्लाह ने। और ये कह रहा है कि तुम्हारे में हम हैं आप हैं, एक दूसरे में क्या है कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि मुझे ये सामान इतने दाम में ख़रीदना है, और उस कॉन्ट्रैक्ट पे आपको पूरी तरह से सहमति दे दी है, रजामंदी दे दी है, तो उसका पूर्ण रूप से पालन करना होगा, परफॉर्मेंस करना होगा। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो अल्लाह माफ़
अब कोई चीज है, कोई भी किसी चीज के कॉन्ट्रैक्ट करते, कॉन्ट्रैक्ट भी लीगल तरीके से हो, सौदेबाजी क्या हो लीगल तरीके से हो, जो कुरान ने कह दिया कि ये चीज लीगल है, ये चीज अल्लाह के नजरों में लीगल है, जो नबी के ने जो हुक्म दिया है कि ये कार करो वो लीगल है, और उसके विपरीत जो अगर कोई काम करेंगे तो अल्लाहुल अनलीगल है। कोई भी सौदा हो, कोई भी पार्टनरशिप हो, अगर उस पार्टनरशिप में है कोई फॉर्म तैयार कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो, या कोई चीज़ किसी से ले रहे हो, या फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी किसी से लेना देना हो, जो आप हमारे आपके बीच में समझौता हो जाए, उस समझौते का तो पालन करो। बहुत ऐसे निकम्मे और नदारद होते हैं, बेईमान होते हैं, ऐसे लगता है उनको अल्लाह के पास जाना नहीं है, आपस में दूसरे से समझौता कर लेते हैं, समझौता करने के बाद फिर पैसे ले लेते हैं, रकम ले लेते हैं, और रकम लेने के बाद वो बदल जाते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे इससे हमारा समझौता हुआ ही नहीं है। गवाही मांगी जाती है, गवाही दी जाती है, लेकिन अल्लाह के पास जो है इस अगर आप दोनों के बीच में आपसे समझौता हो जाता तो गवाह की जरूरत नहीं है। आपका जो अमल है दारोमदार, जो अमल का दारोमदार किस पे टेक, किस पे बेस है, ईमान पे है। आपका ईमान कैसा है, आप अल्लाह वाले अल्लाह की बातें को मानते, अरे तो भ्रष्ट होगा, जानदमी होगा, तो अल्लाह की बातों को नहीं मानेगा, जो तुम्हारा हश्र पूरा होगा। ए मेरे अल्लाह के बंदे, जो बात किसी से आप मुहैदा कर लो, जो किसी बात की समझौता कर लो, उस समझौता के तहत आप पालन करो, परफॉर्मेंस करो, उससे मुकरो ना। अल्लाह के करीब रहोगे, अगर उससे मुकर जाओगे तो अल्लाह के करीब नहीं रहोगे। और कहता क्या है, और ना अपने की हत्या करो, और ना अपने को कोई मर्डर करो। हत्या, हत्या की हत्या भी होती है, एक कल्पेबल होमोसाइड, एक मर्डर। आपका इंटेंशन है कि कुछ पाने के लिए, कुछ इच्छा के लिए किसी व्यक्ति को हत्या कर दो। अब इस्लाम में जिहाद की बात आती है, जिहाद में चर्चा करूंगा, लेकिन जो कोई किसी के, जो अल्लाह ने किसी को पैदा किए ना, तो अल्लाह ही ने उसकी जान लेगा, अल्लाह ही ने उसके मुकर्रर कर रखा है कि जान लेने के लिए, अब उसकी हत्या कर देंगे तो अल्लाह ने बताया है कि अनडाउटफुली, यानी निसंदेह अल्लाह तुम पर मेहरबान है, और जो कोई जुल्म और ज्यादती से ऐसा करेगा तो हम जल्दी ही आग में झोंक देंगे। कोई जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, जो कोई हो, व्यक्ति हो सकते हैं, सरकारें हो सकते हैं, बाहर की सरकारें हो सकती हैं, दुनिया की चीज़ें हो सकती हैं, जो कोई जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, चाहे वो घर का हो, चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो, कोई भी व्यक्ति हो, जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, तो अल्लाह उसे आग में झोंक देगा, अल्लाह उसे आग में झोंक देगा। और यह अल्लाह के लिए बहुत आसान है, आग में झोंकने के लिए कोई कठिन नहीं है। हमने आपको पहले बताया कि अपने बंदों से अल्लाह कितना मोहब्बत करता चाहता है, कोई गलती ना करो, हरगिज कोई गलती ना करो, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो। लेकिन अल्लाह जुल्म जास्ती करने वाले को जो है वो आग के शोले में धकेल देगा, जो हमेशा के लिए चलते रहोगे। और अल्लाह के लिए कोई ये कठिन काम नहीं, बहुत आसान काम है। और यह तुम उन बड़े गुनाहों से बचते रहो, बड़े गुनाह की बात कही गई है, बड़े गुनाहों को भी डिफाइन किया गया, क्या क्या बड़े बड़े गुनाह है उसको कुरान ने बताया है, उससे दूर रहो।
जिन्हें तुम्हें रोका जा रहा हो। अब बता रही ये काम ना करो गुनाह है, ये ना काम करो बहुत बड़ा गुनाह है, ये काम ना करो बहुत बड़ा गुनाह है। ये लोग मना करते हैं, लोग बताते हैं, और उनसे दूर रहना चाहिए, उनके पास कभी ना जाना चाहिए गुनाह की चीज, गुनाह करने के लिए गुनाह के पास कभी नहीं जाना चाहिए। और जो जो रोका गया गुनाह से उसके पास कभी नहीं जाना चाहिए। और आगे कहता है तो हम तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर कर देंगे और तुम्हें प्रतिष्ठित स्थान में प्रवेश कराएंगे अगर तुम उस गुनाहों से दूर हो जाओ, बड़े बड़े गुनाहों से दूर हो जाओ, तो तुम्हें वो स्थान मिलेगा जो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तुम्हें मान सम्मान प्रतिष्ठित स्थान जिसे लोग सदियों सदियों जानते रहेंगे अल्लाह वो देगा, अल्लाह ही चल देगा, अल्लाह सब कुछ देने वाला है। बस पेशेंस रखो, धैर्य रखो, यकीनन जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ याद रखो कि वो सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ देने वाला है। किसी व्यक्ति को धोखा नहीं छोड़ता है, किसी ना किसी के बहाने वो रोजी देता है, चाहे कोई भी इंसान हो, सब अल्लाह ही देता है। यानी मेरा आज का जो टॉपिक है मैं यहीं से एंड करता हूँ। कल मैं 32 आयत नंबर 32 से शुरुआत करूँगा। दोस्तों मैं चाहूँगा आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह से करीब, क्योंकि ये दुनिया बहुत कम दिन की ज़िंदगी है। कहते हैं कि इस्लाम में जो है वो जमीन के नीचे की बात करता है, जमीन के ऊपर की बात करता है, इस दुनिया की बात नहीं करता है। वाकई में सही है, हम तो इस दुनिया में है ही हैं, दुनिया मेरे लिए खेती है, और खेती का जो फल है वो मुझे आखरत में मिलेगा। मैं जैसे अच्छे तरीके से खेती करूंगा, अच्छे तरीके से फसल लगाऊंगा तो अच्छी फसल काटूंगा। अगर हम बुरा तरीके से कार्य करेंगे तो बुरा ही हमको मिलेगा। यानी आपको निश्चित है कि अल्लाह एक तरफ चाहता है अपने महबूब से कि वो गलत काम ना करे, अपने बंदों से चाहता है कि वो गलत काम ना करे, गुनाह ना करे यार, किसी के सामने गिड़गिड़ाए ना, अपने किसी को ये ना सोचे कि बहुत उत्पादशीन है तो उसके सामने झुक जाए, भीख मांगे, रहम की दुआ करे। अल्लाह ने आप स्पष्ट मना किया है, बिल्कुल नहीं। केवल आप अल्लाह से मांग सकते हैं और किसी से भी नहीं मांग सकते, किसी से भी नहीं मांग सकते हैं, केवल अल्लाह ही से मांग सकते हैं। इवन दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।